वेलकम टू माय चैनल पिछले वीडियो में हमने एपोप्टोसिस में देखा था माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और इस वीडियो में हम देखेंगे द डेथ रिसेप्टर पाथवे तो चलिए शुरू करते हैं मेनी सेल एक्सप्रेस सरफेस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डेथ रिसेप्टर विच ट्रिगर्स एपोप्टोसिस देखिए डेथ रिसेप्टर बोल के कुछ मॉलिक्यूल्स होता है सेल मेमब्रेन में मतलब ये समझ लीजिए एक सेल है तो सेल मेमब्रेन में एक ऐसे मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होता है जो डेथ रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करता है ठीक है मोस्ट ऑफ दिस आर मेंबर्स ऑफ ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर फैमिली मतलब एक फैमिली है टीएनएफ फैमिली है और ये जो मॉलिक्यूल्स है मोस्टली uh, इस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है ठीक है द रिसेप्टर्स आर टाइप वन टी एन एफ एंड फैस सी डी नाइन्टी फाइव देखिए फैस जो है ऐसे ही लिखना है कैपिटल एफ देन स्मॉल ए और एस ठीक है देखिए ये जो ये दोन टाइप का जो है टी एन एफ टाइप वन टी एन एफ और फैस एल ये टी एन एफ रिसेप्टर फैमिली के अंदर बिलोंग करता है ठीक है ये रिसेप्टर है ठीक है ये रिसेप्टर है फैस लिगेन फैस लिगेन जिसको हम बोलते हैं एफ ए एस एल फैस एल इज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ए मेंम्ब्रेन प्रोटीन एक्सप्रेस मेनली ऑन एक्टिवेटेड टीलिम्फोसाइट देखिए ये क्या था यहाँ तक ये जो ये रिसेप्टर्स क्या था ये सेल जो टारगेट सेल है उसके ऊपर था ये जो है फैस एल ये जो लिगैंड है फैस लिगैंड ये एक्टिवेटेड टीलिम्फोसाइट पर है ठीक है ये एक्टिवेटेड टीलिम्फोसाइट पर

एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स ये एलिमिनेशन ये प्रोसेस क्या एलिमिनेट करता है सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट एंड किलिंग ऑफ टारगेट सेल्स ये टारगेट सेल क्या है कोई भी सेल जिसको मारना है वो है बाई सम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड्स दैट एक्सप्रेस फैसेल तो ये फैसेल किस पे होगा टी सेल पर होगा जिस टी सेल पर यह फैसेल होगा उस उसको यूज करके हम टारगेट सेल को मार सकते हैं और सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को मार सकते हैं ठीक है अभी हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं ठीक है पहला पॉइंट क्या है मेनी सेल एक्सप्रेस सर्फेस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डेथ रिसेप्टर्स विच ट्रिगर्स एफोप्टोसिस तो पहले एक सेल टारगेट सेल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है उसके बाद एक रिसेप्टर बना देते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल ठीक है रिसेप्टर मॉलिक्यूल है और ये टीएनएफ फैमिली का टीएनएफ फैमिली को बिलोंग करते हैं टीएनएफ फैमिली टी एन एफ ट्यूमन ने फैक्टर टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली और ये क्या क्या हो सकता है टीएनएफ और फिर दूसरा क्या हो सकता है फैस रिसेप्टर ठीक है अभी क्या होगा बाहर से एक्टिवेटेड टी सोसाइड आएगा बाहर से आएगा एक्टिवेटेड टीलिंग ये है एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होगा एक फैस लिगेंड होगा और ये फेस्लिगन क्या होगा इसमें इसके साथ लिंक करेगा ये टी एन एफ रिसेप्टर फैमिली के साथ लिंक करेगा और अंदर क्या होगा एडेप्टर प्रोटीन होगा तो यहाँ पर एडेप्टर प्रोटीन है ये बाइंड करने के बाद एडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा ये ये जो रिसेप्टर है वो टारगेट प्रोटीन के साथ एडेप्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा ठीक है ये अडेप्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद क्या होगा कैसपेस ये प्रोसेस चालू हो जाएगा ठीक है उसके बाद कैशपेस क्या होगा कैशपेस एडिट क्या करेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा सेल के अंदर ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है जहाँ पर हमने देखा द डेथ रिसेप्टर पाथवे और एपोप्टोसिस का दो और प्रोसेस बाकी है मतलब ये जो हो गया इसके बाद क्या होगा मतलब ये रिसेप्टर डेथ रिसेप्टर तो हो गया ठीक है इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा वही दो और प्रोसेस बाकी है वो हम अगले वीडियो में खत्म करेंगे और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में